हो सके तो कह दी वाटर पार्क ले चले, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वाटर पार्क जाना चाहिए कि नहीं। गुड मॉर्निंग नॉमी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नॉमी। ना आप लोगों के लिए रेसिपी तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं पैनकेक। पैनकेक मीठा मीठा जो कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें पसंद है थोड़ा। अपनी दीदी को सिखाने जा रही है, चलो फटाफट सीखिएगा ध्यान से। ठीक है, हमने लिया है एक कटोरी मैदा। ओके, ये दादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे। दादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे। ओके, तो गाइस पानी बंद करवा गए, पानी के पास चिल्ला के आई है दीदी जी। है पानी मत फैलाओ, वीडियो बन रहा है, आवाज डिस्टर्ब होता है ना। देखिए एक बार में डाल सकती हैं आप, ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हैं। हम वो है ना शेफ। अरे अरे आपको ऐसे नहीं डालना, आपको एक बार यार आटा आटा आपको ना ऐसे डाल देना है। नहीं आपको ऐसे देना है सबसे। चलो ये आटा मैदा एक कटोरी, एक कटोरी ये वाली कटोरी से आटा मैदा। और आप चाहते हो सिर्फ आटे का भी बना सकते हो, सिर्फ मैदे का भी बना सकते हो। डिपेंड ऑन यू। और चीनी डाल देने की, चीनी भी आप ऐसे डाल सकते हैं। अरे हाँ फिर डालो, पागल हो गया। थोड़ी सी और चम्मच हटा के डालते हैं ये चीनी। चलो अब डालेंगे इसमें दूध। अब डालेंगे इसमें दूध, वो भी आप एक बार में डाल सकते हैं ना। इतना मिक्स कर लो पहले, लम्स पड़ जाएंगे। देखिए इस तरह से तवा गरम कर लेंगे हम लोग। तो ये लिया हमने एक चम्मच, इसको फैला देंगे डोसे की बैटर की तरह। हम लोग हर चीज ना दूसरी तरह बनाते हैं, चीला भी डोसे की तरह, डोसा भी डोसे की तरह, पैनकेक भी डोसे की तरह। ये हमारा बन गया है। नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और यहाँ पे कोई वॉइस नहीं थी तो हमने कहा हम रिकॉर्डिंग किए दे रहे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। तो देखिए इस ना चीले की तरह फैलाया हुआ आपको दिख रहा है फ्लेम, यहाँ पे सेम है, साइडों से मक्खन डाला हुआ है। और मक्खन से जब आप बनाएंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। और मक्खन से ही बनाइएगा आप लोग, वैसे आप लोग ऑयल वगैरह ट्राई कर सकते हैं, बट इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता। देखिए यहाँ पे ना इसने सिम पे सेके हैं, 5 मिनट में ये आपका बन जाएगा। सिम नहीं तो मीडियम कर सकते हैं, हाई पे मत बनाइएगा। देखिए मक्खन ऐड कर रही है, चीनी ना हमने बहुत कम डलवाई थी, आपने देखा होगा। और चीनी आप स्किप भी कर सकते हैं पूरी तरह से, आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ हनी से ही इसको खाएं। देखिए ऊपर से ना हनी ऐड करवा रहे हैं हम। और हमने ये हम थोड़ा सा बताते रहते हैं हेल्दी करने की वजह से कि ये थोड़ा सा बोलते हैं। और सुबह के नाश्ते में ये बन रहा मेरे यहाँ, तो बहुत मीठा नहीं खाया जाता। आपने देखा होगा कि आप सुबह के नाश्ते में एकदम से मीठी चीज़ें नहीं खा सकते। देखिए यहाँ पे केले की चिप्स रख रही हैं, आप लोग चाहें तो चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मलाई वगैरह का यूज कर सकते हैं। जैसा टच आप लोग देना चाहे अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग वैसे कर सकते हैं। देखिए ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा। और अगर मैदा नहीं होगी तो पूरी तरह से ये जो हेल्दी भी होगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं मेरी बिटिया रानी की रेसिपी। और हमने नहीं बनाया, थोड़ा सा हमने मदद करवाई है, और क्योंकि हमें ना यहाँ पे आना था। देखिए हम भाभी घर आ गए हैं, और वो थर्सडे का वीडियो था, कल वाला ये फ्राइडे का। यहाँ पे ना संकटा खिलाई जा रही है और दिन के हिसाब से खिलाई जाती है, आपको पता होगा। देखिए बच्ची बहुत प्यारी, इसको हम सूट कर लेते हैं, ये मेरे बच्चे सूट कर रहे हैं हालांकि, मगर हम देखिए सारे लोग बैठे हैं। और कल वाले लोग ही आए, भाभी ने ना एक साथ ही बोल दिया था कि आप लोगों को 2 दिन आना। वही प्रोसेस है पूरा, आप सारा देखे, आप सिंगार का सामान रखा हुआ है। और ना ये देखिए चावल, और इसमें ना चावल पिसा हुआ होता है, खोया होता है, दूध होता है, घी मेवा से मिला के ना ये लड्डू बनाया जाता है। इसको पिन्नी भी बोलते हैं, संकटा माता भी बोलते हैं। और देखिए इस तरह से सारे लोग पूजा करेंगे, 14 लोग हैं, जैसे कल के 14 लोग थे ना वैसे ही हैं। और ना
शादी के बाद कहते हैं डबल खिलाई जाती है, वैसे सात खिलाई जाती हैं, शादी के बाद डबल होती हैं। जैसे जैसे हम अपने बड़ों से सुनते हैं ना, वही चीज़ें हम आपको वीडियो में बोल देते हैं। कभी कभी लगता है कि शायद कुछ गलत ना बोल देते हो, मगर ये ना कि हम सुन के ही बोलते हैं और हम कहाँ से सीखेंगे। देखिए अपने बड़ों से या जो है भाभी से हम जो सुनते हैं ना, मम्मी लोगों से, वो सब आप लोगों को बोल देते हैं। और गलती अगर लगती हो आप लोगों को तो सॉरी उसके लिए। और बाकी चीज़ें देखिए लोगों क्या अलग अलग होती है, हर घर में ना थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता है रीति रिवाजों में और ना पूजा पाठ में। तो देखिए नई बहू बैठी है, सारे लोग पूजा करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कल के वीडियो में। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पूरे वॉच करिए, इतने अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहे हैं, अलग अलग कंटेंट लेके हम आ रहे हैं। पता नहीं क्या है, मेरे गांव के वीडियो भी आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किए, इतने प्यारे वीडियो थे, बहुत दिल से बनाए थे, बहुत इमोशनल होके बनाए थे हमने। इमोशनल का मतलब है देखिए फीलिंग थी ना, वो हमने आपके साथ शेयर करी, जाहिर करी अपनी, जो कि हम दबा के बैठे थे कुछ टाइम से और वीडियो बना रहे फिर भी आपसे शेयर नहीं करते थे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना हो सके सपोर्ट करिए, शेयर करिए। अगर आप लोग नहीं देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ जिनको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं आप वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करिए। और ना देखिए पूजा हो रही है, पूजा होने के बाद वही होगा, हम लोग ये लड्डू खाएंगे थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद जो व्रत टूट जाएगा फिर सुहाग का सामान लेंगे और ना बस फिर हम लोग जो है अपना व्रत तोड़ देंगे, कुछ भी खा सकते हैं उसके बाद हम। और देखिए यहाँ पे ना चाय नाश्ता शुरू हो गया, जैसे कि मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोग चाय पीते हैं, सभी लोगों को लगता है चाय पीने की आदत सी होती है ना। और देखिए प्रीति कर रही है, नौमी भी कर रही है, और पूजा नहीं है यहाँ पे, प्रिया भी नहीं है, प्रिया हॉस्पिटल गई हुई हैं, उनकी नर्सिंग की जॉब रहती है ना। और हमारे बच्चे ना भाभी के बच्चे मेरे यहाँ काम संभाल लेते हैं, और ना हम बैठे होते हैं कहीं भी ना वो लोग पूरा पूरा काम देख रहे थे, मेरे घर के बच्चे ना उनके यहाँ देख रहे थे। तो ऐसे ना हम लोग मिलजुल के बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है हमारी फैमिली के बीच में, बहुत ज़्यादा। बेस्ट फ्रेंड है, आइसक्रीम खिलाएंगे, चॉकलेट वाली दुकान है ना, चोको बार भैया कलर ये नौमी का फेवरेट है और मेरा है दीदी कह रही आप लोग खाना। अच्छा भाभी ने दीदी बोला मुझे, वासु क्या बोल रहा है दीदी नाम ले रहा आपका, दीदी क्या बोल रही है दीदी है सब मैचिंग करा है आज, तो येलो येलो भाभी मेरा येलो मिस हो रहा है आपका भाभी का। बाय 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 खल्लू आने ही ना, वो ऐसे घर आना ठीक है मेरे साथ चलो। बाल नहीं कटवाओगे तो यही करेंगे तुम्हारे साथ। मालूम जब तुम मासूम छोटे थे तुम्हारे ऐसे हमारे बांधते नहीं, ऐसे बता रहा जैसे कि बांध के कहीं जाने वाला है, यहाँ नहीं बांधो। अच्छा मैं हाँ मैं खा ले चलोगी देना है कहीं घर में ना लो, बाथरूम बंद कर लो, बाथरूम के जो जो छेद है ना वो बंद कर लो, उसी में ना लो क्या छेद है बाथरूम, पाइप पाइप बंद कर लो, पाइप जो पड़ा हुआ है उसका बंद कर लो। मैं खड़े हो भी अच्छा लग रहा है, तो प्यारा लग रहा है, मेरा बउआ छोटा था, यहाँ पे बिंदी लगा दे काजल की अच्छे चटिया, चलो सो जाओ सो जाओ, गुड नाइट बोलो सबको, गुड नाइट। कलम कैसे लाते थे लग गई, चलो भाई गुड नाइट बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और हो सके तो किसी का भी वासु का भी हो सके तो कह दिए वाटर पार्क ले चलिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वाटर पार्क जाना चाहिए कि नहीं।